कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी मिलकर 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आज प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह रांची आ रहे हैं। वो आरजेडी और जेएमएम के साथ मिलकर गठबंधन की ओर से संयुक्त रूप से चुनाव में जाने की घोषणा करेंगे। साथ ही वो सीट शेयरिंग की घोषणा भी करेंगे। जेवीएम इस गठबंधन से अलग हो चुका है। वाम दलों पर भी आज अंतिम निर्णय हो जाएगा। हालांकि गठबंधन में इस विधानसभा चुनाव को लेकर माले को छोड़कर अन्य वाम दलों की वापसी मुश्किल नजर आ रही है। गुरुवार को जेएमएम और कांग्रेस की बैठक के बाद प्रतिपक्ष के नेता और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि आज संशय खत्म हो जाएगा। इशारों में उन्होंने ये भी कहा कि कुछ नए चेहरों के साथ वो कल नजर आ सकते हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि गठबंधन के तहत चुनाव होगा, अगले 24 घंटे के भीतर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो आज महागठबंधन के जो पहली प्रत्याशी की सूची जारी हो सकती है, आज होगी गठबंधन के सीटों की घोषणा। जेएमएम 44, कांग्रेस 30 और आरजेडी को 7 सीटों की घोषणा हो सकती है। आरपीएन हेमंत तेजस्वी, मैराथन बैठक में ये बात बनी है, कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी साथ चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ेंगे। आज होगी महागठबंधन में सीटों की घोषणा। जेएमएम 44, तो ज्यादा जानकारी के साथ रांची से जुड़े हैं हमारे सहयोगी विपिन। विपिन, आपसे जानना चाहेंगे, आज महागठबंधन अपनी कैंडिडेट की सूची जारी कर सकती है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, उनका कैंडिडेट नहीं होगी, जो गठबंधन हुआ है बीजेपी के खिलाफ झारखंड में, उसकी आधिकारिक घोषणा आज होगी। और इसके लिए झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह 10:30 बजे दिन में रांची पहुंच रहे हैं। और कल देर शाम तक एक लंबी मैराथन बैठक चली थी, जिसमें हेमंत सोरेन, जो जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष है, इसके अलावा झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव, कांग्रेस के सह प्रभारी मैनुल हक और आलमगीर आलम की मौजूदगी में बैठक चली, जिसमें लगभग जो खाका है वो बनकर तैयार कर लिया गया। उसके बाद देर रात 8:30 बजे तेजस्वी यादव, जो कि नेता प्रतिपक्ष है बिहार विधानसभा में, वो हेमंत सोरेन से मिलने आए। फिर रामेश्वर उरांव हेमंत सोरेन के आवास पहुंचते हैं दोबारा, और तमाम चीजों पर बातचीत हुई। तो आज इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। आरपीएन सिंह, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में दोपहर के 1 बजे के बाद आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें की सीटों की संख्या, की किस सीट की, कितनी सीट पर कौन सा दल चुनाव लड़ेगा, कौन सी सीट किस पार्टी के खाते में गई है, और नेतृत्वकर्ता कौन होगा इस विधानसभा चुनाव में गठबंधन का, तो तमाम मसलों पर आज आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। और जो चर्चा थी और जो दावा था नेता प्रतिपक्ष और झारखंड में जो जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष है हेमंत सोरेन का, कि सत्ता पक्ष से पहले वो विपक्ष के गठबंधन की घोषणा करेंगे, तो आज लगभग स्थिति वही है कि एनडीए के खाते के खेमे में क्या कुछ हो रहा है ये अब तक तय नहीं हो पाया है, लेकिन विपक्ष ने अपने तरफ से गठबंधन का स्वरूप तय कर लिया है और आज इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। विपिन, जानना चाहेंगे, 30 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है और महागठबंधन जो है आज अपनी सीटों का ऐलान कर सकता है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो महागठबंधन की कौन सी सीटें हो सकती है। जिनके अब तक जो जानकारी मिली आधिकारिक रूप से, तो कौन से सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा ये अभी तक कोई नहीं जान पाया है। इसी के इंतजार में पूरी मीडिया जो है वो लगी हुई है। जब यहाँ तक कि जो राजनीतिक दल इस गठबंधन में शिरकत कर रहे हैं उनको भी अभी तक अपने पूरे सीटों की जानकारी नहीं है। जो सीटों का निर्धारण हुआ, जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ है, वो उस राजनीतिक दल के नेता ही जानते हैं जो अब तक इस बैठक में शामिल हुए। लेकिन एक जो खाका उभर कर सामने आया है कि 44 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, 30 सीट पर कांग्रेस और 7 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरह से जो बातें सामने आई थी, जो फॉर्मूला तय किया गया था, उस आधार पे हम एक
संकेत जरूर अपने दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं कि बीते विधानसभा के चुनाव जो वर्ष 2014 में हुए थे उसमें जिस राजनीतिक दल को जिस सीट पर जीत मिली थी वो सीट उसी दल के खाते में जा रही है। इसके अलावा जो दूसरे पायदान में पिछले विधानसभा के चुनाव में जो दल रहा था वो सीट भी उसी राजनीतिक दल के खाते में जा रही है। तो इससे स्थिति लगभग लगभग थोड़ी बहुत स्पष्ट हो जाती है कि 19 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव जीता था और 16 सीट पर जेएमएम जो था वो दूसरे पायदान में था। तो तकरीबन ये जो खाका है 35 सीटों का, ये लगभग साफ हो जा रहा है कि जेएमएम कहाँ कहाँ चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस के पास 9 सीटिंग सीट थी, इसके अलावा 8 सीटों पर कांग्रेस दूसरे पायदान पे रहा था। तो ये भी लगभग बातें सामने आ जा रही है कि वहां पर कौन सी दल का उम्मीदवार होगा, लेकिन एग्जैक्ट जो है उसके लिए पुनीता हम लोगों को 1 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा जब आरपीएन सिंह, हेमंत सोरेन और नेता और तेजस्वी यादव जो है वो आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस गठबंधन की घोषणा करेंगे, सीटों की घोषणा करेंगे और सीटों की संख्या की घोषणा करेंगे। जी विपिन, आज 1 बजे औपचारिक ऐलान हो जाएगा महागठबंधन का, लेकिन अगर हम बात करें लेफ्ट की, अगर लेफ्ट महागठबंधन में शामिल हो सकता है तो जो आंकड़े अभी आपने बताए हैं कांग्रेस जेएमएम के बीच का सीटों के आंकड़े, अगर लेफ्ट इसमें शामिल हो गया तो क्या सीटों का जो फेरबदल है वो हो सकता है? जी देखिए, लेफ्ट के इस गठबंधन में शामिल होने की सारी संभावनाएं समाप्त हो चुकी है और जिस तरह से जिन सीटों पर वाम दल अपनी दावेदारी कर रहा था उतनी स्थिति में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी नहीं थे झारखंड की राजनीति में कि वाम दलों को उतनी भागीदारी इस गठबंधन के तहत दी जा सके। 4 सीटें छोड़ने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस तैयार थे वाम दलों के लिए, लेकिन वाम दल जो थे वो ज्यादा से ज्यादा भागीदारी चाह रहे थे। तो अब तक जो जानकारी और जिस तरह से कल शाम से हम ये आंकड़ा चला रहे हैं उसके हिसाब से लेफ्ट जो है वो इस गठबंधन से लेफ्ट कर चुका है। तो चलिए विपिन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के बीच आज सीटों की घोषणा होगी, औपचारिक ऐलान महागठबंधन का जो होगा 1 बजे, और क्या कुछ अपडेट है इस पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे।